नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे राइटिंग स्किल का एक नया पार्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैसेज राइटिंग यानी संदेश लेखन। आज हम इस संदेश लेखन के बारे में तथा उसका प्रारूप कैसे होता है तथा कुछ उदाहरण को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, संदेश लेखन का अर्थ क्या है। संदेश का अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। संदेश लेखन जो हैं वह सुखद दुखद दोनों तरह के होते हैं, व्यक्तिगत व सामूहिक भी हो सकते हैं तथा यह संदेश भूतकाल वर्तमान या भविष्यकाल में भी लिखे जा सकते हैं। ऐसे ही संदेश लेखन के प्रकार जैसे हम पत्र लिखते हैं वैसे ही औपचारिक और अनौपचारिक इस तरह के होते हैं। आजकल तो संदेश का माध्यम व्हाट्सएप ट्विटर ईमेल एसएमएस फेसबुक आदि से अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। बच्चों, संदेश के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, हमें जो लिखना है उसमें विषय से संबंधित और आकर्षक विषय की प्रधानता को बनाने के लिए संदेश जो हैं उसमें स्लोगन यानी नारा लेखन होना चाहिए या तो दोहा लिखना चाहिए, कथन आदि का प्रयोग यहाँ पर करके आप उसे अधिक आकर्षक बनाया सकते हैं अधिक आकर्षक बना सकते हैं तथा जितना आवश्यक हो उतना ही स्थान का चयन करना चाहिए यानी उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। शब्दों या भाषा का प्रयोग मर्यादा के अनुसार ही करना चाहिए। शब्दों के चयन में आपकी भाषा की जो दक्षता है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इन बातों का अगर आपने सही तरीके से ध्यान रखकर संदेश लेखन किया तो आपका संदेश लेखन जो है बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली और आकर्षक हो सकता है। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ संदेश लेखन के उदाहरण भी अब हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर माँ को एक संदेश लिखना है आपको, तो देखो इस संदेश को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट बनाना है एक, और उसके अंदर हमें बड़े अक्षरों में संदेश मिडल में यानी बीचों बीच लिखना है। उसके बाद उसके नीचे दाहिनी ओर हमें लिखना है दिनांक, और फिर उसके आगे हम समय लिख सकते हैं, और फिर हम विषय को लिखने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था, आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है इसीलिए आप घर पहुँचते ही उन्हें फ़ोन करना। यहाँ तक जो मैसेज था यानी संदेश था वो आपने माँ को दे दिया, लिख कर रखा, और नीचे आपका जो संदेश दे रहा है उसका नाम दाहिनी ओर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सौरभ, तो बच्चों यहाँ पर मैसेज यानी आपको जिसे जो देना है वो मौखिक रूप में भी दे सकते हैं या लिखित रूप में, लेकिन हमें यहाँ पर लिखित स्वरूप संदेश को लिखना है, प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से इस संदेश के अनेक उदाहरण देखने के बाद आपको बहुत ही आसान आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है संदेश लेखन करना। चलो बच्चों देखते हैं उसके और भी कुछ उदाहरण। संदेश लेखन में से एक दिया है कि बातचीत के आधार पर
जैसे कि आपका किसी के साथ संवाद हुआ है और उस संवाद में से आपको यहाँ पर संदेश लेखन करना है। जैसे कि हमने माँ के लिए जो संदेश लिखा था वो जिस तरह से दो व्यक्तियों के बीच हुआ संवाद था और उसी फ़ोन पर किए हुए संवाद का संदेश आपने घर पर लिखित स्वरूप में लिख कर रखा था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों एक संदेश है संवाद के रूप में आपको दिया है और उसे संदेश के रूप में कैसे लिखना है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल और राम इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है और जो राम है उसने अपने पिताजी के लिए डॉक्टर साहब का संदेश किस तरह से लिख कर रखा हुआ है। तो देखो बच्चों, पिताजी डॉक्टर रेड्डी अंकल का फ़ोन आया था, कल सुबह अपने क्लिनिक पर नहीं रहेंगे, इसलिए आप सुबह मत जाना, शाम को जाना, मैं खेलने जा रहा हूँ, 5 बजे तक आ जाऊँगा। 4 बजे ये संदेश आपने लिख कर रखा है और संदेश लिखने वाले का नाम राम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, कितना आसान है संदेश यानि मैसेज किस तरह से संक्षिप्त में हमें वहाँ पर लिखना है कि संवाद कैसे हुआ था, वो डिटेल में उसने कुछ लिख कर नहीं रखा है, तो किस तरह से संक्षिप्त में बनाकर मुख्य जो बातें हैं उसे वहाँ पर लिख कर रखी हुई हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि दोहे, स्लोगन्स यानी नारा लेखन आदि का उल्लेख यहाँ पर करना चाहिए, वो हर संदेश में नहीं आते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि कई ऐसे संदेश होते हैं जिसमें हमें नारा लेखन या दोहों का हम इस्तेमाल कर उसे आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, जन्म दिवस पर दिया हुआ स्लोगन है, जैसे कि यहाँ पर हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियाँ का जहाँ आपको, जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे दे सारा, आसमान आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और नीचे फ़ोटो और बाकी के जो जो आप व्हाट्सएप पर किसी बर्थडे विश के लिए यानी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, उसी तरह से लिखित स्वरूप में भी आप कलरफुल यहाँ पर अनेक रंगों से भरा हुआ ये मैसेज यानी संदेश लेखन अपने आंसर शीट पर कर सकते हैं। दूसरा एक वही पर दिया हुआ है कि होली के त्यौहार पर एक संदेश आप सार्वजनिक दे सकते हैं, जिस तरह से आप अपने घर वालों को या अपने इलाके के लोगों को आप उसे दे सकते हैं, पोस्टर के रूप में आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो कोई पर्व या त्यौहार पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं, जिस तरह से हम कई ग्रीटिंग कार्ड्स दे सकते हैं, तो इस तरह से संदेश के रूप में कई जगह पर बाहर फ्लैग्स लगे हुए रहते हैं, तो वो भी एक संदेश ही होता है। आप इस तरह से देखकर आपको पता चला होगा कि बच्चों, ये देखा जाए तो वैसे वो विज्ञान का ही एक प्रारूप है, प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारा अगला उदाहरण है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखना है। तो वो संदेश यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है कि लिखते समय ब्रैकेट बनाओ, बॉक्स बनाकर हमें वहाँ पर लिखना है, हेडिंग लिखनी है अक्षरों में, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, चित्र लिखा, दिनांक लिखा, समय उसके नीचे लिख लिया है और फिर संदेश दिया है, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और ये संदेश देने वाले हैं मुख्यमंत्री, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जन्मदिन का है तो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से शुभ कामनाओं के लिए यहाँ पर कुछ नारा लिखा हुआ है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और फिर दिनांक, समय,
प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामिनी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने जन्मदिन की दो देखे हैं। अब हम यहाँ पर अगले उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक शोक संदेश भी हो सकता है, केवल त्योहारों का, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा है कि संदेश लेखन सुख और दुख दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो एक हम थोड़ा सा शोक संदेश का उदाहरण भी हम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे भी हम अच्छी तरह से किस कैसे लिख सकते हैं, उसे दिया हुआ है। और दूसरा एक दिवाली के शुभ अवसर पर संदेश लिख कर दिया गया है। बच्चों, इस दिए हुए उदाहरणों को आप अच्छी तरह से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से संदेश लेखन लिखना आ जाएगा। जाहिर है कि यह एक विज्ञापन की तरह ही लिखा जाता है, जैसे कि 10वीं कक्षा में सूचना यानी नोटिस राइटिंग की जाती है, वह और विज्ञापन इन दोनों को मिलाप होकर संदेश लेखन को यहाँ पर किस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है, यह आपकी क्रिएटिविटी होगी। आप उसे किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारा संदेश लेखन का जो नया पाठ हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है, उसे हम यही समाप्त करते हैं। आप इन सभी उदाहरणों को तथा इसकी सारी जानकारियों को अपने लेखन नोटबुक पर लिखना है और इसी तरह के अनेक उदाहरण आपको देखकर उसे समझना है और उस तरीके से संदेश लेखन का प्रयास करना है। धन्यवाद।